अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ्स में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप डाउटनेट ऐप का प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि डाउटनेट ऐप कैसे काम करता है। डाउटनेट ऐप का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कैमरे पे क्लिक करना है और जो भी क्वेश्चन है आपका उस क्वेश्चन को खींच लेना है। खींचने के बाद उसे सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद फाइंड सॉल्यूशन पे क्लिक करना है। कुछ इस तरह से फाइंड करेगा और इसका सॉल्यूशन आपको दे देगा। डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक दिया है, वहाँ से भी डाउनलोड आप कर सकते हेलो, नमस्ते। मैं सूरज आपका स्वागत करता हूँ वाराणसी से। क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी प्रश्नावली 10B, और 10B में मैं पहला भाग लेकर आ चुका हूँ। भाग वन हर्षरूप शर्मा की किताब से ये बनाया जा रहा है। हमारे चैनल पे हर एक प्रश्नावली मौजूद है। यदि आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे। इसके पहले ए अगर देखना चाहते हो तो ए का मैंने वीडियो कल के डेट में बना दिया था। यदि नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे सकते हैं। आज हम 10B शुरू करेंगे, उसका भाग वन। ठीक है, चलिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन मैं ले चुका हूँ। पहले क्वेश्चन में लिखा है, मूल बिंदु के सापेक्ष ए और बी बिंदुओं के स्थिति सदिश क्रमशः हमें दिया है वेक्टर ए वेक्टर बी है। तो पहला क्वेश्चन बोला है वेक्टर ए बी, दूसरा क्वेश्चन बोला है वेक्टर बी ए, सदिशों को ज्ञात करो। तो आपको एक चीज क्लियर होना चाहिए कि अगर ए बी पूछे तो क्या होना चाहिए, बी ए पूछे तो क्या होना चाहिए। ये दोनों चीजों पहले मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा। ठीक है, देखिए, जब ए बी होता है, ए बी का मतलब होता है बी का स्थिति सदिश। अगर आपको नंबर और मार्क्स अच्छे नंबर्स पाना है तो ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। ए बी का मतलब होता है बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे। अब यहां पे बी का स्थिति सदिश है, देखिए ये ए का है क्या, ए का आपको सदिश दिया गया है स्मॉल ए, बी का दिया गया है स्मॉल बी, ये है ना, इसका अलग अलग। तो बी का क्या दिया है स्मॉल बी, तो ये हो जाएगा वेक्टर स्मॉल बी माइनस ए का क्या दिया है स्मॉल ए। तो पहले का जो आंसर हो जाएगा ए बी का क्या हो जाएगा बी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, हम बात करेंगे सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर जो बोला है वो बोला है ए, सॉरी, अब बी ए बोलेगा ना, ए बी तो हो गया, अब बी ए बोलेगा। तो बी ए के लिए लिखेंगे बी का स्थिति सदिश, फिर यहां से माइनस करेंगे, बी ए बोला है तो पहले ए लिखेंगे ना, हम भी पता नहीं कहां से आ गए हैं। ये हो गया ए का स्थिति सदिश माइनस बी का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश। चलिए, अब यहाँ पे ए का स्थिति सदिश है तो वेक्टर ए, और बी का है तो वेक्टर बी, ये हो जाएगा इसका आंसर। छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस मुझे इस क्वेश्चन में समझाना ये था कि अगर ए बी बोलेगा तो लिखना है बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, अगर बी ए बोलेगा तो ए का स्थिति सदिश माइनस बी का स्थिति सदिश, ये आपको लिखना है। ये आगे हम नहीं बताएंगे क्योंकि ये हर बार आपको इस तरह से देखने को मिलेंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन में ए नंबर लिया है, चित्र में त्रिभुज एबीसी में सदिश एबी तथा बीसी का योगफल ज्ञात कीजिए। ये आपको चित्र दिख रहा है एबीसी, इसमें बोला है त्रिभुज एबीसी में, ये जो एक त्रिभुज है इसमें बोला है कि एबी जो एक हमें दिख रहा है और ये जो बीसी दिख रहा है, ये बीसी, इन दोनों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल है, इसे आप ज्ञात कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इसको लगाने के लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, आप समझ जाएंगे। जैसे एक और एक को जोड़ते हैं तो होता है दो, समझ में आ गई बातें। अगर एक और एक का योगफल करते हैं तो दो होता है, अगर हम एक्स और वाई का योगफल करेंगे तो क्या होगा, इसे जोड़ेंगे तो ये खुद ही एक आंसर है। जब आप ये दोनों समझ गए हैं तो उसी तरह से इसे भी हमें बताना है, मतलब ए बी का योगफल करना है किसके साथ, बी सी के साथ, तो इसका योगफल क्या होगा, ये खुद ही हो जाएगा। जैसे ये होगा इसका योगफल, ये खुद है, उसी तरह से इसका योगफल ये खुद हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए, ये तो ए नंबर मैंने बता दिया, बी नंबर समझिए। अब देखिए, बी नंबर के क्वेश्चन में बोला है चित्र में ओ ए प्लस ओ बी ज्ञात कीजिए। ये आपको चित्र दिख रहा है ओ ए और क्या ज्ञात करना है ओ बी, ओ बी, ये ओ ए ओ बी, इन दोनों को जोड़कर बताना है, केवल ये ज्ञात नहीं करना, जोड़ के बताना है। तो सबसे पहले हम एक चीज आपको क्लियर कर देते हैं,
ये ओ ए है, तो इसके बीच में ये जो तीर दिख रहा है ना, एरो, इस एरो का मतलब क्या है आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं समझेंगे तो आपको यहाँ पे गलतफहमी का आप शिकार हो सकते हैं। ठीक है, शिकार नहीं होना है, समझना है। देखिए, सबसे पहले तो हम ये लेंगे ओ ए, हमारा क्या दिख रहा है, ओ ए, वेक्टर ओ ए। ठीक है, और ओ ए हमारा बराबर है किसके, अगर हम ओ ए ले रहे हैं तो ये बी सी होगा। ठीक है, कभी भी ओ ए बराबर आप सी बी नहीं कर सकते। देखिए, ओ ए बराबर सी बी नहीं कर सकते, अगर आप इधर से पढ़ रहे हैं ये तीर इधर जा रहा है तो ये भी तीर इधर ही जाएगा, है ना, ये तीर दिखना है, ओ ए तीर इधर जा रहा है ना, तो इधर भी लेना है बी सी, तो ये इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए बी सी। आपको समझ में आ गया, ये दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक, उसके बाद ओ ए बराबर बी सी का मान क्या है, बी सी का मान है वेक्टर बी, ये आपने निकाल लिया। ठीक है, अब सेम इसी प्रकार से यहां पे चलेंगे, हमें ओ बी ज्ञात करना है, ओ बी को, तो लिखेंगे ओ बी बराबर, यहां पे आप लिख सकते हैं एक लाइन, हम जानते हैं, है ना, ये गणित का एक रूल है, अगर आप ऐसे लिखेंगे कि हम जानते हैं, भले मत जानिए लेकिन आप लिखेंगे हम जानते हैं, तो बहुत अच्छा नंबर देते हैं एग्जामिनर। ठीक है, ओ बी, ओ बी बराबर लिख सकते हैं ओ सी, ओ सी। ठीक है, अब देखिए ओ बी बराबर ओ सी का मान क्या है, वेक्टर ए है। इस तरह से मैंने यहां पे दो मान ज्ञात कर लिया, एक ये समीकरण एक मान लेते हैं और एक ये समीकरण दो मान लेते हैं। अब हमें ज्ञात क्या करना था, हमें ओ ए प्लस ओ बी ज्ञात करना था, लिखेंगे ओ ए प्लस ओ बी, ये हमें ज्ञात करना था कि इसका मान क्या होगा। ओ ए का मान देखेंगे, ओ ए का मान है वेक्टर बी, यहां से लिख लेंगे वेक्टर बी, फिर बीच में प्लस है, प्लस लगा लीजिए। ओ बी का मान यहाँ पे आप दिख रहा है समीकरण दो से, ये है वेक्टर ए, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है वेक्टर वी प्लस वेक्टर ए, ये किसका मान है, ये टोटल मान हो जाएगा ओ सी का। किसका मान होगा, ओ सी का, मतलब अगर यहां से हम डॉटेड लाइन पे ये दिखाएंगे तो ये टोटल मान होगा किसका, ओ सी का, मतलब इन दोनों का एड करने पर, इन दोनों का जोड़ करने पर ये आपको मिल जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, समझ में आ गई बातें, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसका सी नंबर देखिए, अब देखिए यहां पे क्वेश्चन में लिखा है सी नंबर, त्रिभुज एबीसी में क्रमशः ए बी बी सी सी ए से निरूपित सदिशों का योग ज्ञात कीजिए। हमें योग तो ज्ञात करना है लेकिन एक त्रिभुज बनाना है जो कि त्रिभुज एबीसी होना चाहिए, और ए बी ये तीर बता रहा है, ये क्या बता रहा है, हमें एक तीर बता रहा है, एरो बता रहा है कि किस तरह से एरो हमारा रहेगा, पहले ए बी होना चाहिए, तो हम लेते हैं पहले ए बी, ये हमारा हो गया ए बी, ये हमारा एरो हो गया। ठीक, ए बी हो गया, फिर बोला है बी सी, मतलब यहां से बी सी ले लेते हैं, ये मैंने सी ले लिया, इस तरह से ये तीर ले लिया बी सी, फिर बोला है सी ए, तो सी ए मतलब ये एरो हमें बता रहा है, हम इधर से एरो क्यों नहीं किए, क्योंकि हमें यहां पे बता रखा है कि सी ए होना चाहिए, मतलब इस तरह से होना चाहिए। तो अब इन सभी का योग कितना होगा, तो लिखेंगे योग ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इन तीनों का योग हो जाएगा जीरो। बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की, अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीन, इसमें लिखा है चित्र में ओ ए बराबर ए दिया गया है, ए बी बराबर बी दिया गया है, तो ओ बी और सी डी ज्ञात करो, जबकि सी डी क्रमशः ओ ए और ए बी मध्य बिंदु है। देखिए यही आपको यहां पे समझना है, यहां से लाइन समझना है, जबकि बोला है सी और डी क्रमशः ओ ए और ए बी का मध्य बिंदु, मतलब ओ और ए का मध्य बिंदु है सी और बी और ए का मध्य बिंदु है डी। अगर इतना चित्र में आप समझ चुके हैं तो आपको अब हम समझाना शुरू करेंगे, ए बी का मान हमें दिख रहा है बी और ओ ए का मान ए दिख रहा है, इतना समझ में आ गया। अब चलिए हमें ज्ञात क्या करना है ये बताते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, हर एक क्वेश्चन में क्या है लिखेंगे दिया है, हमें दिया क्या है, हमें दिया है कि ओ ए बराबर ए दिया है, लिखेंगे ओ ए बराबर ए, और दिया है ए बी, ए बी बराबर दिया है वेक्टर बी। ठीक है, ये दिया गया है, अब इसके साथ ये जो चीज लिखा है इसे अभी हम इंक्लूड नहीं करेंगे, अभी हम इसको समझाएंगे बाद में। चलिए अब ज्ञात क्या करना है, हम लिखेंगे अब ज्ञात करना है, ज्ञात करना
क्या ज्ञात करना है? दो चीजें। पहला चीज है हमें सॉरी क्या ज्ञात करना है? देख लेते हैं। हाँ यहाँ पे ओ बी सी डी ज्ञात करो बोला है ना, तो लिखेंगे ओ बी बराबर क्वेश्चन मार्क और सी डी बराबर क्वेश्चन मार्क, ये दोनों हमें ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले इसे ज्ञात करेंगे ओ बी। ओ बी मतलब ये बड़ा वाला जो दिख रहा है हमें कर्ण, इसे कर्ण कहेंगे, इसे हमें ज्ञात करना है। तो लिखेंगे त्रिभुज। सबसे पहले ये देखिए, ये जब ज्ञात करेंगे तो ये किस त्रिभुज में आएगा? ये छोटे वाले त्रिभुज में आएगा या बड़े वाले त्रिभुज में आएगा? अगर बड़े वाले त्रिभुज में आ रहा है तो हम बड़े वाले का पहले नाम लिखेंगे, त्रिभुज ओ ए बी में, ये आपको आवश्यक है लिखना। अगर आप इस तरह से बोर्ड एग्जाम में देते हैं तो ऐसे लिखना पड़ेगा। अगर बड़ा वाला ज्ञात करने के लिए बोल रहा है तो पहले आप बड़े त्रिभुज का नाम लिखिए ओ ए बी में। इसका मतलब ये है कि हम इस त्रिभुज में अब वर्क करने जा रहे हैं। ठीक, चलिए ओ बी बराबर, ओ बी बराबर, अब ओ बी बराबर क्या होगा? ओ बी बराबर होगा ओ ए प्लस ए बी होगा, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ओ ए अब प्लस ए बी होगा। अब ओ ए का मान हमें ऑलरेडी दिया है, जो मैंने लिखा है ए अब प्लस इसका मान दिया है वेक्टर बी, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। पहला का आपको समझ में आ गया, इसका मान निकाल लिया मैंने। इसी तरह से सी डी पूछा है, अब सी डी ज्ञात करेंगे। सी डी ज्ञात करने के लिए हमें इस छोटे त्रिभुज का प्रयोग करना पड़ेगा, तो इसलिए हम लिखेंगे त्रिभुज सी ए डी में, इस त्रिभुज का नाम लिखेंगे ना। चलिए लिखेंगे त्रिभुज सी ए डी में। अब देखिए इसमें क्या लिखना है, इसमें हमें सी डी ज्ञात करना है। जब सी डी ज्ञात करेंगे तो सी डी बराबर, अब सी डी बराबर क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय से सी डी बराबर होगा सी ए प्लस ए डी, होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, तो लिखेंगे सी ए प्लस ए डी। इतना तक तो आपको समझ में आ गया कि सी डी बराबर होगा सी ए प्लस ए डी। अब आपको यहां पे समझना है, जो आपका क्वेश्चन बोला था ये वाली लाइन, ये वाली लाइन अब आपको समझना है। सी डी क्रमशः ओ ए और ए बी मध्य बिंदु है, यहां पे आपको यही समझना है कि ये जो मध्य बिंदु है तो सी ए को हम लिख सकते हैं, सी ए को क्या लिख सकते हैं? ओ ए का आधा है, लिखेंगे ओ ए का आधा है। आप बात का समझ में आया है? जो मैं यहां पे क्वेश्चन बोला है उसी का मतलब मैं बता रहा हूं, सी ए का मतलब है ओ ए का आधा, तो यही चीजें मैं यहां पे लिखने वाला हूं। सी ए बराबर ओ ए का आधा, ठीक है, प्लस इसका मतलब है ए बी, ए बी का आधा। ये ए डी कहां स्थित है? जो ए डी बिंदु स्थित है ये बिंदु, वो ए बी के आधे पर स्थित है, तो मैंने यहां पे लिख लिया ए बी बटे दो। अब ओ ए का मान मैंने ज्ञात किया था जो कि आया था वेक्टर ए बटे के टू, जो ये दिया गया था क्वेश्चन में, ये भी क्वेश्चन में दिया गया था, तो ये हो जाएगा वेक्टर वी बटे दो। यहां पे आपको देखने को ये मिल जाएगा, या फाइनली में लिखेंगे सी डी का मान हो जाएगा एक बटे दो को कॉमन कर लीजिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आप जरूर बताइएगा क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर चार देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर, और फोर में पहला क्वेश्चन मैं ले चुका हूं, इसमें दो क्वेश्चन है। देखिए हर एक क्वेश्चन को मैं आराम से और अच्छे से इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से कर कर आए, कहीं भी गलती आपको नहीं करना है। अभी मैं समय ले सकता हूं लेकिन बाद में आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप गलती कर कर आए, ठीक है। आप पढ़ने में तेज हैं या जो भी है, आपको समझना ध्यान से है। निम्न चित्र से ए डी डी ए सदिश ज्ञात करो। हमें ए डी ज्ञात करना है और डी ए ज्ञात करना है, ये आपको चित्र दिख रहा है। देखिए ए डी कहाँ पे है? ये है ए डी, मतलब ये जो तीर दिख रहा है इस दिशा में भी ज्ञात करना है कि क्या होगा, और डी ए इस दिशा में भी ज्ञात करना होगा कि क्या होगा, ठीक है। चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहां से इस चित्र को देखते हैं। अगर ये हम डॉटेड लाइन एक तरह से अनुमान लगाते हैं, सपोज दैट हम मान लेते हैं कि ये एक डॉटेड लाइन है, ठीक है, आप डॉटेड लाइन सपोज दैट मान लिए, तो यहां पे आपको ये चीज देखने को मिल रहा है कि ये पाइथागोरस प्रमेय से हम एक चीज ज्ञात कर सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होता है, होता है ना। लिख सकते हैं यहां पे कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी के होगा,
होगा ना पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। अब देखिए ए बी का मान हमें दिया है ए, तो ये हो गया वेक्टर ए, प्लस बी सी का मान दिया है वेक्टर बी, तो ये हो गया वेक्टर बी, बराबर ए सी का तो कोई मान नहीं पता है तो इसे छोड़ देंगे वेक्टर ए सी। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया, लेकिन हमें ज्ञात करना है सबसे पहले ए डी ज्ञात करना है। तो ए डी ज्ञात करने के लिए अब देखिए यहां पर आपको समझना है, फिर से इस वाले त्रिभुज को लीजिए, कौन सा त्रिभुज ए सी डी वाला, त्रिभुज ए सी डी में इस त्रिभुज में समझना है, और ये कौन सा त्रिभुज था, त्रिभुज ए बी सी में, ये आप लिख सकते हैं। अब देखिए इस त्रिभुज में क्या लिखना है कि ये जो ए सी दिख रहा है, ए सी प्लस सी डी, ये दोनों मिलके किसके बराबर होगा, ए डी के बराबर होगा। क्या लिखेंगे, ए सी प्लस सी डी ये बराबर होगा ए डी के, ए सी प्लस सी डी ये दोनों जो रेखाएं हैं, ये भुजाएं जो है, ये ए डी के बराबर होंगे, तो मैंने ए डी लिख लिया। अब देखिए ए सी का मान मैंने ऊपर ज्ञात कर रखा था ए प्लस बी, तो ये हो गया ए प्लस बी हो गया, और प्लस सी डी का मान आप यहां देख सकते हैं किसका, सी डी। अब देखिए सी और डी, तो सी डी का जो मान होगा वो आपका क्या होगा, सी डी का जो मान होगा वो होगा ये इसके समान है, ये भुजाएं इस भुजाएं के समान है, तो इसका मान भी ये हो जाएगा वेक्टर सी। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि ये भुजाएं आपस में समान है, समबाहु त्रिभुज के सभी कोण बराबर होते हैं, तो हमें यहां कोण से तो कोई मतलब नहीं है, उसकी भुजाएं भी बराबर होती हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सी डी का मान हो जाएगा वेक्टर सी इज इक्वल टू ए डी। हमें पहले क्या ज्ञात करना था, ए डी ज्ञात करना था, तो ए डी मैंने ज्ञात कर लिया। अब बात करेंगे डी ए ज्ञात करना है, तो चलिए अब डी ए ज्ञात करते हैं। डी ए बराबर, मैंने आपको एक चीज समझाया था कि अगर ये चीज चेंज कर देते हैं, पहले ए डी था, अब हम डी ए ज्ञात करेंगे, तो इसके मान में परिवर्तन हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी ये तो रहेगा, अगर हम इसको चेंज किए तो यहां पे बस माइनस लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का पहला। अब इसका सेकेंड नंबर बता देते हैं, चलिए सेकेंड नंबर बताते हैं। इसमें लिखा है यदि ए बी बराबर ए, बी सी बराबर बी, ए डी बराबर सी, तो डी सी ज्ञात करो। ये इसका जो चित्र है यही वाला चित्र है, और यहां पे आपको एक डाउट जरूर हो रहा होगा कि सर क्या डी सी बराबर कोई जरूरी है सी ही होगा, आपको डाउट हो रहा होगा ना कि सर डी सी बराबर जो है वो मान सी ही क्यों होगा, हम इसे गलत कहेंगे। तो चलिए इसका मान ही हमें ज्ञात करना है सेकेंड में, सेकेंड में बोला ना डीसी का मान क्या होगा, तो डीसी का मान अगर हम प्रूफ कर देंगे कि एडी आ रहा है, क्या डीसी का मान अगर एडी के बराबर हो रहा है तो एडी का ही तो मान सी है, तो ये मान भी सी हो जाएगा। तो चलिए ये हम सेकेंड क्वेश्चन में प्रूफ करेंगे कि क्या उसका मान उसके बराबर होगा या नहीं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, एडी का मान हमें दिया गया है, एडी बराबर है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, आपको चित्र में दिखाते हैं। देखिए AD का जो मान होगा किसका, A और D का मान, ये होगा AB प्लस BC प्लस CD, ये आपको चतुर्भुज दिख रहा है, इस चतुर्भुज के अनुसार AD का मान इन सभी के बराबर होगा। ठीक, अब देखिए AD का मान दिया गया है वेक्टर C, लिख लिया, AB का मान दिया है वेक्टर A प्लस BC का मान दिया है वेक्टर B, इस तरह से मैंने लिख लिया, प्लस सी डी का मान हमें नहीं दिया है, तो यहां से लिखेंगे वेक्टर सी डी, इसे हम छोड़ दिए। ठीक है, अब देखिए यहां पे करना क्या है, यहां से हो गया, अब इसे हम सी डी जो है इसे डीसी करेंगे, सी डी था इसे हम डीसी करेंगे, तो इसके मान में यहां पे माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और ये माइनस में चेंज हो जाएगा, अब इसे हम लिखेंगे सी डी, पहले था डी, पहले सी डी था, अब यहां पे लिखेंगे डी सी। क्लियर है, आपको समझ में आ रही है। अब देखिए अब यहां से अगर हम इसको भेजेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो ये जो माइनस है वो प्लस में आ जाएगा, डी सी प्लस में आ जाएगा इज इक्वल टू, ये है वेक्टर ए प्लस ये है वेक्टर बी, और ये सी जो है वो इधर चला जाएगा, माइनस में आ जाएगा वेक्टर सी, इस तरह से ये मिल जाएगा। तो यहां पे आप देखने को ये मिलेगा कि सी डी का जो वैल्यू है वो माइनस डी सी के बराबर हो सकता है ना, तो आप देखेंगे यहां पे कि डी सी का मान ये होगा, है ना, डी सी का मान ये होने का मतलब है कि आप कह सकते हैं डी सी बराबर होगा
डी के, ठीक है, ये आपका यहां पे आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये सरल क्वेश्चन है, बस आपको समझना है। चित्र में सदिश सी डी का मान ज्ञात कीजिए। सी डी हमारा कहां पे दिख रहा है, ये है सी, और ये हमारा डी कहां पे है, देखिए सी और डी पूछा है ना, सॉरी सी और बी पूछा है, मैं क्वेश्चन ही गलत लिखा हूं, सी और बी पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा, ये जो आपको दिख रहा है इसका मान क्या होगा। समझना ध्यान से है, कोई भी गड़बड़ी नहीं करना है आपको। क्या लिखना है, सबसे पहले एसी बराबर, एसी बराबर होगा क्या चीज, एसी प्लस सीबी, सॉरी एसी प्लस सीबी बराबर होगा किसके, एबी के। ये तो आपको पता होगा कि एसी प्लस सीबी बराबर होगा एबी के, ठीक। अब इसके बाद हमें सीबी ज्ञात करना है, तो हम यहां पे लिखेंगे सीबी बराबर, इस एबी को यहां पे छोड़ देते हैं और इसको लिखेंगे इस साइड माइनस एसी, ठीक है। अब सीबी बराबर ए बी, और ये जो माइनस एसी है इसको हम अगर सी ए कर ले तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा कब, जब इसको हम चेंज कर लेंगे, ये सी ए कर लिया मैंने, ठीक है। अब देखिए सी बी इसका मान तो हमें पता नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, बराबर ए बी का मान हमें बी दिख रहा है, ये हो गया बी, और सी ए, अब सी ए के देखिए मान क्या होगा, सी ए ज्ञात करना है मतलब इस तीर के विपरीत ज्ञात करना है, तो उसका मान माइनस में होगा सी। समझ में आ रही बात है, यही आपको समझना है, अगर तीर के विपरीत हम जाएंगे तो माइनस में मान होगा, अगर हम ए सी लेते तो ये प्लस में होता, ठीक, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। सबसे पहले हम ए बी सी डी का एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे, फिर बोला है ई जो है ए बी का मध्य बिंदु है, हम ऐसा चतुर्भुज बनाएंगे कि ई जो बिंदु है वो ए बी के बीच में होना चाहिए, ठीक है। देखिए कोई चित्र नहीं दिया गया, आपको समझना है इसी से और इसी से बनाना है कि ए बी के बीच में ई को रखना है, फिर बी सी के बीच में एफ को रखना है, ठीक है। यदि ए बी का मान वेक्टर ए है और ए डी का मान वेक्टर बी है तो ई एफ का मान हमें ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे उसी के अनुसार हम आपको बताएंगे। देखिए मैंने यहाँ पे समांतर चतुर्भुज बना लिया लेकिन किसी का नाम अभी नहीं दिए, क्योंकि हम आपको नाम क्लियर करेंगे आपके क्वेश्चन के अनुसार। बोला है ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज होना चाहिए, तो हम लेंगे ए बी सी डी, आप ये नाम कहीं से भी ले सकते हैं लेकिन जो जो बोला है वो चीज आपको करना पड़ेगा। अब बोला है क्या आगे, ई जो बिंदु है वो ए बी का मध्य बिंदु है, मतलब ए बी के मध्य बिंदु पे एक हमारा ई बिंदु मौजूद है, हम यहाँ पे ई नाम दे देते हैं। आगे बोला है बीसी के बीच में एफ बिंदु है, मतलब बीसी के बीच में कोई एक एफ बिंदु है, मतलब ये जब बिंदु दिख रहा है तो इसे हम मिला सकते हैं, ये हो गया, ठीक। अब देखिए क्या बोला है, अब बोला है यदि ए बी का मान ए है, मतलब इस ए बी टोटल का मान है वेक्टर ए, और ए डी, ए डी का मान है बी, ए डी का मान है बी, तो यहां पे इस तरह से तीर भी आप दिखाएंगे, क्योंकि जिस तरह से बोला है उसी तरह से हमें तीर भी दिखाना है। इतना ही बोला था, और यहाँ पे ई एफ के लिए हमें बोला है कि ई एफ का मान बताओ, देखिए ई एफ बोला है मतलब तीर हमारा ऐसा होना चाहिए, है ना, इस तरह से। अभी ये तो हो गया आपके क्वेश्चन, चलिए हम याद करते हैं ई एफ बराबर क्या होगा, तो हम इस छोटे त्रिभुज की बात करेंगे, किसमें, त्रिभुज ई एफ ई ई बी एफ में बोल सकते हैं, या ई एफ बी में बोलेंगे, ई एफ बी, क्योंकि तीर जैसे दिख रहा है वैसे बोलेंगे ई एफ बी में, ठीक है। इतने में देखिए ई एफ का मान हमें ज्ञात करना है, तो ई एफ बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई बी प्लस बी एफ, ये हो जाएगा, ठीक। अब ई बी, ई बी है ना, ये बिंदु हमारा कहां पे स्थित है, ए बी के बीच में स्थित है, तो हम क्या लिखेंगे, ए बी के बटे दो प्लस बी एफ, मतलब ये बिंदु हमारा जो है सी बी के बीच में है, लिखेंगे सी बी या बी सी आप लिख सकते हैं, कोई भी अंतर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी तीर हमें नहीं बोला गया है, अगर तीर बोलता तो हम बताते कि बी सी लिखना है कि सी ए लिखना है, ठीक। ये मान हो गया, ए बी का मान पता है वेक्टर ए उसके बटे दो, प्लस बी सी का मान क्या है, जैसे जब ये बी है तो ये भी बी होगा, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज
बताया गया है। तो ये भी मान कितना हो जाएगा, बी। अब बट्टे के दो, अब यहाँ से हम कॉमन कर लेंगे वेक्टर ई एफ बराबर 1/2 को कॉमन करेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो जाएगा ये आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन ई एफ का मान समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन बोला है तीन सदिश ए बी सी, देखिए ये कोई सदिश है ना, कोई भुजा नहीं है, सदिश है। इस प्रकार है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मान 0, तो दिखाइए कि ये सदिश एक त्रिभुज का निर्मित करते हैं। ठीक है, तो हमें तो पता नहीं है कि सच में ये करेगा कि नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हल करेंगे, हल करके इसे पता करेंगे। तो लिखेंगे माना, पहले हम मानेंगे इसे कि सच में मान लेते कि हाँ निर्मित एक करेगा त्रिभुज का, है ना। मैथ का रूल में तो यही होता है कि पहले हम मानते हैं, तो लिखेंगे माना त्रिभुज ए बी सी में वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी तीन सदिश है, क्वेश्चन में यही बोला है, तो ये मैंने मान लिया। जब तीन सदिश है तो इसके लिए एक त्रिभुज भी होना चाहिए, तो एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये हो गया एक त्रिभुज, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, अब यहां पे बोला है ए बी सी, ये तीन क्या है, सदिश है। सदिश का मतलब है अलग अलग नाम देंगे, ये हमारा ए के लिए है ए, और ये हमारा बी है, और ये हमारा सी है। ए बी सी तीन हमारा अलग अलग सदिश मिल गया। अब हमें जो जो दिया गया क्वेश्चन में वही हम लिखना शुरू करेंगे। दिया है क्वेश्चन में हमें दिया है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इन तीनों का मान 0 होगा, ये हमें क्वेश्चन में ही बता दिया है। ठीक, अब आगे क्या करेंगे, यहां से अगर हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर निकालेंगे तो सी को भेजेंगे राइट हैंड साइड, माइनस वेक्टर सी हो जाएगा। ठीक है, अब ए जो है वो कहां पे है, ए बी का मान ए है, तो हम ए के स्थान पे लिखेंगे ए बी, है ना, ए बी का ही तो मान है ए। ठीक, प्लस बी किसके लिए है, बी है बी सी के लिए, बी सी का मान ही बी है, समझ में आ गई बात है। और यहां पे ये जो इसके बाद ये जो माइनस माइनस सी दिख रहा है, इस माइनस सी को ए सी करेंगे, यहां पे थोड़ा गलतियां हो गई, ए सी करेंगे। अब ए सी क्यों होगा ये भी समझिएगा, देखिए ये तीर ऐसे जाएगा ए बी बी सी सी ए, ऐसे ही तीर जाता है। ठीक है, अब सी ए अगर होता तो सी मान लेते, लेकिन ए सी है तो माइनस सी लेंगे, है ना, तो माइनस सी का मान ए सी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना। अब ये यहां पे भेजेंगे ए बी प्लस बी सी, अब ये लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। इस तरह से ये मैंने कर लिया, इसको हम चेंज कर लेते हैं आपस में, ए बी प्लस बी सी, और ये हो जाएगा प्लस करेंगे तो ये सी ए हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब जब ये मान एक 0 बनाता है तो ये एक त्रिभुज का ही क्या करता है, त्रिभुज का ही मतलब एक त्रिभुज ही बना रहा है, त्रिभुज को निरूपित कर रहा है, निर्मित कर रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे यह एक त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। देखिए 8 नंबर के क्वेश्चन में लिखा है एबीसीडी कोई समांतर चतुर्भुज है, सिद्ध कीजिए कि रेखाओं ए बी सी डी ए सी और डी बी के द्वारा निरूपित बलों का परिणामी बल वेक्टर 2 ए बी के द्वारा मान दिशा और स्थिति में निरूपित होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक हम चतुर्भुज बनाएंगे जो कि ए बी सी डी से कोई समांतर चतुर्भुज होगा। तो ये मैंने बना लिया एक समांतर चतुर्भुज, और इसमें जो जो चीजें लिखा है वो चीजें हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज चतुर्भुज है, ये क्वेश्चन में ही दिया है। लिखेंगे आगे तथा ए सी तथा डी बी इसके क्या है, विकर्ण बनेंगे हमारा, है ना, विकर्ण है या होंगे। देखिए ए सी और डी बी हमारा इसका विकर्ण बनेंगे, तो हम यहां पे ये चीजें लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम बताते हैं ए बी ए बी बराबर हम क्या क्या लिख सकते हैं, मतलब जो जो चीजें यहां पे दिख रहा है उसी के अनुसार हम बात करेंगे आगे। चलिए आगे हम क्या करेंगे, ए बी का मान हमारा डी सी के बराबर होगा, बी सी का मान ए डी के बराबर होगा, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर डी सी होगा, और
AD बराबर BC होगा। ठीक, आगे क्या करेंगे, आगे लिखेंगे इसलिए AB प्लस CD प्लस AC प्लस DB, ये मान बराबर होगा AB प्लस CD के बराबर। ठीक है, और प्लस इसके आगे, क्योंकि जगह तो नहीं है, इसके आगे प्लस ये, हाँ ठीक है, प्लस AB प्लस BC प्लस DC प्लस CB, ये सारी चीजें मैंने इस त्रिभुज, इस समांतर चतुर्भुज से बना लिया। अब आपको समझना क्या है, देखिए ABCD AC DB, यहां से एक त्रिभुज का निरूपित मैंने किया और उस त्रिभुज से यहां से बारी बारी से मैंने बनाया कि AB यहां पे दिख गया, CD यहां पे दिख गया, AC और DB हमारा एक विकर्ण है, तो AC बराबर हम क्या लिखेंगे, AC बराबर लिखेंगे हम AB प्लस BC। समझ में आ रही बातें, देखिए यहां पे AC बराबर लिखेंगे AB प्लस BC और DB बराबर लिखेंगे DC प्लस CB, जो कि हमारा एक विकर्ण दिख रहा है इस विकर्ण के कारण। ठीक है, आगे क्या करेंगे समझिए, आगे इससे हम सॉल्व करेंगे कि AB प्लस CD प्लस AB प्लस BC, देखिए AB प्लस CD प्लस AB प्लस BC, यहां तक मैंने कर लिया, और प्लस ये जो DC दिख रहा है इसे हम करेंगे माइनस CD, इसे हम चेंज कर देते हैं तो माइनस CD हो जाएगा। ठीक है, और इसे भी चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा BC, इतना तो आप समझदार, ये माइनस में चेंज हो जाएगा। ठीक, और ये टोटल बराबर किसके होगा, ये टोटल अगर यहाँ पे देखिए जाए तो AB है ना, ये AB यहाँ पे CD CD से कैंसिल होगा और BC BC से कैंसिल होगा, AB मिलके मिल जाएगा 2AB, और यहाँ पे जब 2AB मिल जाएगा तो ये किसका मान है, ये मान टोटल आ रहा है इसका, है ना, तो इसे हम लिखेंगे क्या, इसे लिखेंगे AB प्लस CD प्लस AC प्लस DB, इसका मान आया हुआ है 2AB, यही हमारा सिद्ध करना था, ये हो जाएगा इति सिद्धम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें लिखा है किसी बिंदु पर लगे बल परिमाण तथा दिशा में वर्ग, यहाँ पे वर्ग की बात करेंगे, समांतर चतुर्भुज नहीं है, ABCD एक वर्ग का नाम है, कि भुजा AB 2BC 2CD DA तथा विकर्ण DB द्वारा निरूपित है, सिद्ध कीजिए कि बल समूह संतुलन में होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो चीजें हमें दिया है ABCD, इससे हम एक वर्ग का निरूपित करेंगे, एक वर्ग बनाएंगे। सबसे पहले एक हम वर्ग बना लेते हैं, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है तो हम उसी तरह से बना लेते हैं एक वर्ग, और इसका हम नाम देंगे ABCD, ये मैंने एक नाम दे दिया। ठीक, ये क्या है, DA है, ये AB है, वेक्टर मैं दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं, इसका एक सदिश का नाम दे रहा हूं। ठीक है, ये CD है और ये BC है, मतलब इस भुजा को अगर हम लेंगे तो क्या नाम लिखेंगे, इसलिए हम यहाँ पे एक नाम दे रहे हैं कि इस सदिश को हम यूज करेंगे सवाल में। ठीक, अब इतना करने के बाद हम एक यहाँ पे विकर्ण बनाते हैं DB का, है ना, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, चलिए कोई नहीं, ये हो गया DB, तो जो जो चीजें मैंने यहाँ पे किया वही चीजें हम एक छोटे से हैंडराइटिंग में लिख लेते हैं कि क्या क्या मैंने किया। लिखेंगे माना ABCD एक वर्ग है, सबसे पहले तो ये लिखेंगे मैंने ABCD का एक वर्ग बनाया, तथा DB विकर्ण है, ये भी मैंने बनाया विकर्ण है, फिर आगे लिखेंगे बल समूह संतुलन में होगा या नहीं, यही सिद्ध करना है, तो इसे आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, यही हमें सिद्ध करना है कि बल समूह संतुलन में होगा या नहीं, या आप यहाँ पे हैंड राइटिंग में भी लिख सकते हैं कि सिद्ध करना है कि बल समूह में है या नहीं। तो चलिए हम हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए हमें जो जो चीजें दिया है AB 2BC 2CD DA ये सभी दिया है, तो इन सभी को हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, दिया है, क्या लिखा है दिया में, AB प्लस 2BC ये दिया गया था, प्लस 2CD दिया गया था, प्लस DA दिया गया था, प्लस DB दिया गया था, इन सभी का मान 0 होगा। अब हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से बात करेंगे, लेफ्ट हैंड
साइड, ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी डी प्लस डी ए प्लस डी बी, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा राइट हैंड साइड। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को मैंने ले लिया, अब इसे हम सॉल्व करेंगे, सरल करेंगे, ठीक है। कैसे देखिए, ए बी, ये मैंने ए बी को छोड़ दिया, अब प्लस टू बी सी को भी छोड़ देते हैं, टू बी सी, अब प्लस यहाँ पे टू सी डी है, तो टू सी डी को हम क्या लिखेंगे, माइनस टू ए बी लिखेंगे, टू सी डी को, देखिए ध्यान से समझिएगा, ये है सी डी, तो टू सी डी को क्या लिखेंगे, माइनस टू ए बी लिखेंगे, सी डी है तो यहाँ पे बी ए लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने ए बी लिखा, क्योंकि ये इस तरह जा रहा है तो मैंने इस तरह लिया, तो इसका विपरीत होगा, माइनस होगा, अगर ये दो बार है तो ये भी दो बार होगा, है ना, इस तरह से इसका ये मैंने लिख लिया। अब ये बचा है इस तरह से यहाँ पे, तो इसको करेंगे माइनस बी सी और प्लस डी बी छूटा है, डी डी बी, ये डी बी, ये डी ए था, डी ए को मैंने माइनस बी सी लिखा, देखिए डी ए था तो मैंने माइनस बी सी लिखा, ये डी ए है तो मैंने सी बी लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने इस तरह लिखा, इसका मतलब है कि माइनस यूज किया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, बी सी, यहाँ पे दो बी सी है, ये इससे एक घट जाएगा, ए बी है एक, इससे यहाँ पे घट जाएगा, क्या बचेगा, ए बी माइनस में बचेगा और ये प्लस में बचेगा, तो लिखेंगे माइनस ए बी बच जाएगा, अब प्लस बी सी बचेगा, अब प्लस डी बी बचेगा, ये डी बी, बाकी चीज़ें हमारा बी सी यहाँ पे है, बी सी यहाँ पे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बचा है ये मैंने लिख लिया। इसके बाद लिखेंगे माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस डी ए प्लस ए बी, ठीक है, डी बी बराबर क्या लिखेंगे, डी ए प्लस ए बी लिखेंगे, है ना, बिकट था इसलिए मैंने यहाँ पे ये यूज कर लिया। फिर आगे बी सी माइनस बी सी, ये बी सी होगा, ये बी सी होगा, बी सी माइनस बी सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं ही समझा देता हूँ ये कैसे हुआ जीरो, देखिए ये ए बी से ए बी कैंसिल करेंगे, बी सी छोड़ दिया, डी ए को क्या लिखेंगे, डी ए, देखिए डी ए, डी ए को लिखेंगे माइनस बी सी, ये ऊपर से आ रहा तो मैंने नीचे से लिया, इसका मतलब है कि मैंने, मुझे माइनस यूज करना चाहिए, तो माइनस बी सी यूज करेंगे और ये हो जाएगा माइनस बी सी, बी सी बी सी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो। तो इस तरह से ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है, इसे भी आप सिद्ध कर सकते हैं। तो आज का अंतिम क्वेश्चन नंबर 10 हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन लिखा है, एक समतल में चार बिंदु ए बी सी डी, ए बी सी डी है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए का मान ज्ञात करना है। ये समतल है, समतल का मतलब एक सीरियल वाइज रेखा में, तो यहां से हम बनाएंगे एक बिंदु ए बी सी डी, इस तरह से मैं बनाऊंगा, ये हो जाएगा ए, ये बी, ये सी और ये डी, एक रेखा है, एक समतल रेखा में मैंने बना लिया। अब इसका एक सदिश दे देते हैं, ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है, इस तरह से मैंने दे दिया, ठीक। अब देखिए ये जो सभी है ये इसी तरह से है, कोई भी तीर आपको उल्टा नहीं दिखेगा। अब यहां से करना क्या है हम आपको बता देते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना, माना ए बी सी डी एक समतल है, सबसे पहले तो यही लिखेंगे, जिसका आपको लिखना पड़ेगा, जिसका सदिश, सदिश क्या है, ए बी सी दिए, तो आप यहां पर लिखेंगे कि ए बी बराबर ए मैंने दिया है, बी सी बराबर बी दिया है और सी डी बराबर सी दिया है, ये आप इसे यहां पे लिखेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, हमें इसका मान ज्ञात करना है, इन सभी का योगफल का, तो हम क्या करेंगे, सभी का योगफल का मान निकालेंगे कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू, इन सभी का योगफल हो जाएगा ये तीनों, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये तीनों मान हो जाएगा, इसको मान लेते हैं समीकरण एक, ठीक है। अब इसके बाद देखिए डी सी है ना, डी सी प्लस सी बी, इन डी सी प्लस सी बी का मान किसके बराबर हो जाएगा, डी ए के बराबर हो जाएगा, टोटल, फिर से समझिएगा, डी सी सी बी का मान किसके बराबर होगा, डी ए के बराबर होगा, टोटल के बराबर होगा, ठीक है, इस तरह से यहां पे लिखेंगे डी सी प्लस सी बी प्लस बी ए, इसका मान होगा डी ए के बराबर,
ठीक है, या डी ए बराबर लिखेंगे, क्या है डी ए बराबर, इसका मान जो है वो सभी बारी बारी से लिखेंगे, माइनस सी माइनस बी माइनस ए, ये समीकरण नंबर दो। ठीक, ये भी हमें इसमें इंक्लूड करना था क्योंकि हमें ज्ञात किसका करना है, ए बी बी सी सी डी डी ए ज्ञात करना था, मैंने ए बी बी सी सी डी तक ही ज्ञात किया, डी ए नहीं ज्ञात किया था, तो डी ए यहां से इसका मान उठा के रख लेंगे। ठीक, अब लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ये भी इंक्लूड कर लिया बराबर, इसका मान अलग से मैंने समीकरण एक में लिख रखा है और इसका मान समीकरण दो में लिख रखा है, इन सभी को सॉल्व करिएगा, आपका आंसर जीरो हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, प्रश्नावली 10B और इसका भाग नंबर ये 1 था, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। भाग 2 कल शाम 6 बजे चलेगा, आप तैयार रहें, प्रतिदिन शाम 6 बजे लाइव क्लासेस चलता है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सूचना तुरंत मिलेगा कि लाइव शुरू हो गया है या नहीं या कब कैसे चलेगा, ये सब्सक्राइब जब करेंगे तभी आपको मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं कल के लाइव सेशन में 6 बजे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।